नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। पन्ना मध्य हनुमान जयंती पर सिद्ध स्थल हनुमान भाटे में उमड़ा भक्तों का सैलाब। कन्या भोज एवं भंडारा जैसे धार्मिक अनुष्ठान जारी। पूर्व विधायक भी पहुंचे हनुमान भाटे किए दर्शन। पूरे देश में गुरुवार को हनुमान जयंती का पर्व मनाया जा रहा है। देश भर के हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही है। जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान, कन्या भोज एवं भंडारे आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में बुंदेलखंड के पन्ना जिले के पवई स्थित प्राचीन सिद्ध स्थल हनुमान भाटे, जो एक दुर्गम पहाड़ी पर स्थित है जहां पहुंचने के लिए 1100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, में भी हनुमान जयंती की धूम है। सुबह से ही भक्तों का जनसैलाब दर्शन करने के लिए उमड़ रहा है। मंदिर परिसर में विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम, कन्या भोज भंडारे चल रहे हैं। कन्या भोज में लगभग 10,000 कन्याओं सहित श्रद्धालुओं ने दर्शन किया एवं प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान पवई विधानसभा के पूर्व विधायक पंडित मुकेश नायक भी हनुमान जयंती पर हनुमान भाटे पहुंचकर भगवान के चरणों में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस सचिव वीरेंद्र द्विवेदी सहित सैकड़ों की संख्या में भक्त मौजूद रहे। आइए जानते हैं मुकेश नायक, पूर्व विधायक पवई, ने क्या कहा। संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। ये हमारे बुंदेलखंड का प्रमुख तीर्थ स्थान है और यहाँ आकर बड़ी शांति मिलती है। यहाँ आने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि यहाँ मन हृदय में बड़ी शांति का अनुभव होता है और जहाँ शांति का अनुभव हो, इससे बड़ा तीर्थ और कौन हो सकता है।